हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टडी आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है उसमें, यहाँ पे कि आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो मैं फर्स्ट है उसमें ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? तो देखिए, हमें पता है कि जो स्क्वायर होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं, चारों सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। बट जब हम बात करें स्क्वायर की तो उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। क्या जितने भी रोम्बस हैं सब वो पैरेललोग्राम्स हैं? तो देखिए, अब इसमें यहाँ पे हमें क्या देखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। क्या वो प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है वो पैरेललोग्राम फॉलो करता है? देखिए, जो रोम्बस होता है ना उसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। ठीक, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी होती हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के भी करते हैं। तो इसलिए बी वाले का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि जी हाँ, सारे जो रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम्स हैं। अब अगर मैं बोलूं कि सारे पैरेललोग्राम्स क्या रोम्बस हैं, नो इट इज फॉल्स। बिकॉज देखिए, सारे रोम्बसेस आपके पैरेललोग्राम्स हैं लेकिन सारे पैरेललोग्राम्स आपके रोम्बसेस नहीं है। अगर मैं बोलूं ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। बट अगर मैं बोलूं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, दैट इज ट्रू। अब आगे देखिए, सी में ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो क्या सारे जो स्क्वायर हैं वो रोम्बस होते हैं और क्या वो रेक्टेंगल भी होते हैं? सी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस भी है, तो जितने भी स्क्वायर है वो सब रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस जो है उसकी उसके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते बट ये स्क्वायर के होते हैं। सो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो वो है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट यहाँ लिखा है नॉट पैरेललोग्राम, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सब पैरेललोग्राम होते हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। राइट, अब यहाँ पे आगे क्या है, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो क्या सारी जो काइट्स हैं वो रोम्बस हैं, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है? तो नो, आंसर इज नो, बिकॉज काइट की जो शेप होती है दैट इज लाइक दिस। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये और ये साइड इक्वल है एंड ये और ये साइड इक्वल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रोम्बस, तो रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं दे आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई जो काइट है, मतलब जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज है वो काइट फॉलो नहीं करती है। दैट्स व्हाई जो काइट्स है वो रोम्बस नहीं है, सो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और रोम्बसेस आर काइट्स, तो क्या जितने भी रोम्बस हैं वो सब काइट हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। अगर मैं इसी को फ्लिप कर दूं ना स्टेटमेंटों पे होता है तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे जितनी भी काइट्स की प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ पे हमारा रोम्बस फॉलो करता है। काइट के जो ये वाली साइड्स होती है अपोजिट साइड, दे आर इक्वल, रोम्बस की भी होती है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट्स व्हाई ट्रू हो जाएगा। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, क्या जितने भी पैरेललोग्राम है सब ट्रेपेजियम है? तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि ट्रेपेजियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सब पैरेललोग्राम फॉलो करते हैं। ट्रेपेजियम जो होता है उसकी हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ट्रेपेजियम है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई ना कोई दो साइड्स आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब दे हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो वो चीज हमारे पैरेललोग्राम्स में भी होती है। अगर आपका ये मान लीजिए ट्रेपेजियम है, ठीक, तो ये और ये अगर आपका क्या है, पैरेलल है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें भी और ये तो पैरेलल होते हैं। राइट, अब आगे देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्या जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब ट्रेपेजियम हैं? तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा जी हाँ, क्योंकि ट्रेपेजियम जो होता है उसके एक मतलब पैर जो होता है कोई ना कोई दो साइड्स पैरेलल होती है, स्क्वायर की भी पैरेलल होती हैं। वो क्या होती हैं अगर मैं बात करूं तो वो एक तरीके से स्क्वायर्स की भी होती हैं। कभी कभी होता है कि ये जो आपकी बची वाली दो साइड्स होती हैं जो पैरेलल नहीं होती वो कभी कभी इक्वल भी दे देता है, तो स्क्वायर्स की भी होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, ट्रू ही है। तो क्वेश्चन 1 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।